हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका कल एक छोटी सी पीआईबी आई थी जिसमें कि एनआरएसईईडी के ऊपर एक अपडेट थी कि बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। और यहाँ पे एक पीस ऑफ एडवाइस है मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए, उसको एक बार ध्यान से सुनना। अभी सबसे ज़्यादा जो टेंशन में बच्चे हैं वो हैं एसएससी वाले, है ना, और कुछ बैंकिंग वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो कैसे ये चीज़ें एक बार बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एक पर्टिकुलर पीआईबी आई है, इसमें इन्होंने बात करी है कि जो एनआरए है वो सीईटी का रिक्रूटमेंट जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है वो ईयर एंड में कराने की यहाँ पे प्रयास कर रही है। अच्छा, नॉन गैजेटेड पोस्ट वही आपका जो रेलवे में, इसमें तीन, आपको पता ही होगा एनआरए सीईटी में तीन आपका बेसिकली डिपार्टमेंट्स की या ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है। आरआरबी हो गया, देन आपका एसएससी हो गया, देन इसके बाद में आपका आईबीपीएस, ठीक है। इन तीनों का जो प्री का एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का, वो मर्ज करा के क्या करेंगे, एनआरए सीईटी को करा रहे होंगे, है ना। तो अभी बेसिकली यहाँ पे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि हम इसे ईयर एंड में कराएंगे। लेकिन अभी अगर आपसे मैं बात करूँ तो आपका आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है और वो 90% से ऊपर चांसेस है कि वो चेंज नहीं होगा। तो बैंकिंग वाले बच्चे तो पढ़ते रहो, अपना पूरे साल आपका एग्जामिनेशन होना है, आगे आईबीपीएस का भी होगा, एसबीआई का भी होगा, तो उसके लिए एटलीस्ट पढ़ो, ठीक है। और बाकी एसएससी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए देखो, आपका कोई भी एग्जामिनेशन होना मेंस में वही आना है, तो अपना वो तो आपको करके चलना ही है, जो अभी प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं या जो भी चीजें हैं। अगर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका सीईटी से होगा तब भी 80% चीजें वही रहेंगी, सेम टू सेम, ठीक है, ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपका एक मीटिंग हुई है, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट देनी होती है, तो ये अपडेट आपकी दी गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये हर साल आपका एक 6 महीने के आसपास, 2-4 महीने में कुछ ना कुछ अपडेट देनी होती है। तो ये अभी अपडेट आई है, बस इसका मतलब ये नहीं है कि ईयर एंड से होना स्टार्ट हो ही जाएगा, बिकॉज अभी बहुत सारे रिक्रूटमेंट लटके हुए हैं। सीजीएल 2020 का अभी मेंस होना बाकी है, मेंस की अभी डेट नहीं आई है, लेकिन अप्रोक्स आपका 2 से 3 महीने में हो जाएगा। उसके बाद आपका सीजीएल की अपडेट भी आ जाएगी कि आपका ये एसएससी कराएगा या फिर आपका एनआरए सीईटी कराएगा, इसके ऊपर जो भी अपडेट है वो आपको तब मिलेगी, ठीक है, यानी कि आने वाले 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है अभी आपका सीईटी ईयर एंड पे तो नहीं हो पाएगा, और अगर ये सीईटी से एसएससी सीजीएल 2023 वाला, एसएससी के 2023 वाले एग्जाम्स कराते हैं तो वो फिर आगे ही खिंचेगा, 2023 के आपका मार्च अप्रैल तक जाएगा, अगर ये बहुत अभी से भी अच्छा काम करते हैं। बिकॉज देखो यार, करोड़ों बच्चे हो जाते हैं जब आप तीनों, इन तीनों पेपर्स को एक साथ लोगे, और आरआरबी में तो आपकी काफी सारी पोस्ट कैंसिल कर दी गई है, और अभी एनटीपीसी की ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, और ऊपर से एसएससी का जो कैलेंडर आया है वो भी 2023 में जा रहा है। जैसे आप अगर सीपीओ को देखोगे या फिर जो आईएमडी की इसमें पोस्ट आई है उसके जो एग्जाम्स होने हैं वो भी आपके 2023 में होने हैं, ठीक है। तो ये चीजें, स्टेनोग्राफर का भी आई गेस आपका लास्ट में ही होना है, तो ये चीजें अगर अभी सिनारियों को देखें, आईबीपीएस का कैलेंडर भी आपका लास्ट का ही आया हुआ है ऑलरेडी, है ना, तो ये सब चीजें देखते हैं तो ईयर एंड में सीईटी होना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखो, बाकी पढ़ाई से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अल्टीमेटली आना उसमें वही है जो पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ते रहोगे तो काम होता रहेगा। अगर अभी से बैठ जाओगे कि यार एक काम करते हैं, इंतजार करते हैं इसकी अपडेट आएगी, सिलेबस आ जाएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपका एनआरए सीईटी का पिछले 1.5 साल से यही चल रहा है, आई गेस एक ही साल हुआ है ना, हाँ, तो 1 ईयर या जो भी टाइम हुआ है आपका, तब से यही सिनारियो चल रहा है कि उसका अपडेट आ जाता है। जो बच्चे बैठने वाले होंगे वो अब 1 साल से बैठे ही होंगे, हैं, तो ये चीज है। और बाकी कई सारी ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो कंटिन्यूअसली एग्जाम्स करा रही हैं, जैसे कि आपका आईएआरआई का एग्जामिनेशन है असिस्टेंट वाला, जो लेवल 6 और 7 के लिए अच्छी खासी पोस्ट है, इसके लिए एग्जामिनेशन है। एनएफएसयू का भी आई गेस नोटिफिकेशन आपका, अब मुझे ये नहीं पता लास्ट डेट हो गई या नहीं हो गई, इसकी भी काफी अच्छी पोस्ट है एनएफएसयू में, सेक्शनल ऑफिसर हुआ या फिर डिप्टी सेक्शनल ऑफिसर हुआ, इसकी वैकेंसीज आई हुई थी। इसके अलावा आपका बैंक में भी कई बैंक अपनी अलग अलग से निकालते हैं, जैसे पीएनबी हो गया, स्पेशलिस्ट पोस्ट पे निकालते हैं या फिर एमएससी बेसिस पे निकालते हैं, ये सब एग्जामिनेशन जो अलग से होते हैं ये तो चलते ही रहेंगे, सीईटी आ जाएगा तब भी चलेंगे ही, क्योंकि ये अलग अलग जो बॉडीज हैं वो अपने कंडक्ट कराती हैं, तो उनमें भी सिलेबस सेम ही रहता है। अगर हम आईएआरआई असिस्टेंट की बात करें तो इसका सेम सेम सिलेबस है एसएससी सीजीएल वाला, तो ये चीजें हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है कि बस पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, तो एंड करते हैं सेशन को, ज्यादा परेशान नहीं होना, जो भी मैसेजेस आए थे वो मैंने बता दिया है, और जो अगर आप इंतजार करते रहोगे तो करते रहो। और बाकी तो देखो, कई लोगों ने कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए थे 1 साल पहले ही, इसके सिलेबस नहीं आया था, तो ये सब इंतजार मत करो, जो अभी पेपर्स होते जा रहे हैं ना एटलीस्ट
एक चीज अपने माइंड में रखो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, एक बेसिक्स अपना कंप्लीट करके 2022 में जितने पेपर होते जा रहे हैं, बी एड बैंकिंग, बी एड एसएससी, बी एड रेलवे, बी एड एनवीएस, कोई भी बॉडी के आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना, उनके क्वेश्चंस को आपको लगाना ही है, उनके नोट्स बनाओ अगर आपको आगे क्वालिफाई होना है, सक्सीड होना है तो। नहीं तो आप उसी पुराने डर्रे पे पढ़ते रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आप आपको लग रहा होगा प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, लेकिन बाद में सारे मार्क्स जुड़ेंगे ना, तो वही एक दो नंबर के चक्कर में बैठे रह जाओगे। अभी जो रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको करना स्टार्ट कर दो, नहीं किया अभी तक तो आंसर की सब मिल जाती है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है बताना, और जो भी अपडेट होती है वो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, कनेक्शन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन करके ही है। तो फिलहाल इस सेशन को मैं एंड करूंगा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।